हे गाइस, वेलकम टू रिसोर्स पॉइंट। माई सेल्फ ऋषिका, और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वीज़न आइज की करंट अफेयर्स मैगज़ीन। ये हमारी जून मंथ की मैगज़ीन है। इसमें बस आपकी एक लेसन आई है अभी तक, पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन की, तो वो फर्स्ट पार्ट था। आज हम लोग पार्ट सेकंड यहाँ पे डील करेंगे, और मैं इस पार्ट में पूरी कंप्लीट करने की कोशिश करूँगी। ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगी, क्योंकि दो टॉपिक हम लोग लास्ट फर्स्ट पार्ट में देखे थे, तो तीन टॉपिक और रिमेनिंग है, तो मैं इसको इस लेसन में कंप्लीट कर दूँगी। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में जंप करेंगे। ओके, तो जो भी लेसन यहाँ पर कंप्लीट हुई है, उन सारी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाता है। और अगर आप प्रीवियस मंथ की भी देखना चाहते हो, तो उसकी आपको प्लेलिस्ट में जाएगी। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट में आकर स्टार्टिंग से देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपनी आज के लेसन। तो अब आते हैं हम लोग टॉपिक नंबर 3, जो कि है रिमूवल ऑफ जजेस, यानी कि जज को हटाने का यहाँ पे कुछ बात किया जा रहा है। तो देखते हैं कि ये टॉपिक न्यूज़ में क्यों थी। रिसेंटली चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर को कुछ लिखे, जिसमें कि उन्होंने एक मोशन पास किया है, जिसमें कि अलाहाबाद के हाई कोर्ट के, यानी कि अलाहाबाद के हाई कोर्ट के जज को हटाने के लिए एक मोशन पास किया है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने। और ये उन्होंने प्रमाण जो दिया है वो प्राइम मिनिस्टर को दिया है। तो कुछ बैकग्राउंड में चलकर देखते हैं और डिटेल जानने की कोशिश करेंगे कि ऐसा क्या रीज़न था और क्यों ऐसा हुआ है। तो बैकग्राउंड में आप चलकर देखोगे तो आर्टिकल 217 है, जो कि यहाँ पे प्रोवाइड करती है जजेस ऑफ हाई कोर्ट कि उनको यहाँ पे रिमूव किया जा सकता है उनके ऑफिस से। तो किनके द्वारा उनको रिमूव किया जा सकता है? प्रेसिडेंट के द्वारा इनको रिमूव किया जा सकता है, और वो सारे मैनर के थ्रू उनको रिमूव किया जा सकता है जो भी यहाँ पे आर्टिकल 124 में मेंशनड है। ओके, तो आर्टिकल 124 में आपका मेंशनड है रिमूवल ऑफ जजेस ऑफ हाई कोर्ट, और आर्टिकल 217 में आपका मेंशनड है रिमूवल ऑफ जजेस ऑफ हाई कोर्ट। ओके सॉरी, आर्टिकल 124 में आपका यहाँ पे मेंशन है रिमूवल ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, एंड आर्टिकल 217 में यहाँ पे आपका रिलेटेड है कि जजेस ऑफ हाई कोर्ट। ओके, तो ये आपको आर्टिकल याद रखना है। जो भी टॉपिक से रिलेटेड अगर न्यूज़ में आ जाती है आपका पॉलिटी में, तो उसके रिलेटेड कोई भी अगर आर्टिकल होना, तो प्लीज़ आप उसको याद कर लीजिए, क्योंकि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वे में क्वेश्चंस उनसे पूछे जाते हैं। आर्टिकल अगर हम लोग 124 के 4 में देखें, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है, यहाँ पे लिखा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस को यहाँ पे रिमूव किया जा सकता है सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट के द्वारा, और वो भी दो ग्राउंड में। पहला है कि यहाँ पे मिसबिहेवियर प्रूव्ड हो जाए कि यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने कुछ भी तरीके का मिसबिहेवियर किया है, या फिर इन कैपेसिटी, यानी कि अब वो अपने ड्यूटी को परफॉर्म करने के कैपेबल नहीं है, उनका बॉडी एक तरीके से सही नहीं है, या फिर उनका मेंटल साउंड नहीं है, या फिर कोई और रीज़न के कारण भी वो यहाँ पे कैपेबल नहीं है कि अपनी ड्यूटीज़ को परफॉर्म कर सके। तो इन दो ग्राउंड में यहाँ पे आपके सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस होते हैं उनको सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट के द्वारा हटाया जा सकता है। कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पे रिक्वायर करती है कि जो भी मिसबिहेवियर है और इनकैपेसिटी है, इसको प्रूव किया जा सके इंपीरियल ट्रिब्यूनल, जो कि इसमें आपको देखने को मिलेगा, ये जो डिसाइड किया जाता है ये जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968 के तहत, यहाँ पे आपका जो भी डिसीजन निकल कर आता है इस एक्ट के थ्रू यहाँ पे डिसीजन निकल कर आता है। ओके, अब इशू देखते हैं कि क्यों यहाँ पे क्या क्या इशूज़ है जजेस को रिमूव करने का। सबसे पहला है कि लैक ऑफ इन्फोर्समेंट, यानी कि जो एक्ट है ना, इसमें सिर्फ इन्वोक किया गया है 3 times, वो भी आज के डेट में आपका 1950 से आज के डेट तक अगर देखोगे तो। तब तक यहाँ पे कोई भी जज को सक्सेसफुली इम्पीच नहीं किया गया। आपको पता होना चाहिए कि आज तक हमारे यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के किसी भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, या फिर आप जजेस को यहाँ पे आज तक इम्पीच नहीं किया गया, यानी कि उनको यहाँ पे इम्पीच करके नहीं हटाया गया। तो ये आपका लैक ऑफ इन्फोर्समेंट है। यहाँ पे 3 times जो है अब तक ऐसा इस एक्ट को यूज़ किया गया है, जो भी आपका यहाँ पे जजेस इंक्वायरी एक्ट कहा जा रहा है। सेकेंड पॉइंट है कि यहाँ पे लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी है, यानी कि जो प्रोसीडिंग होता है ना इस तरीके के जजेस को हटाने का, या फिर जजेस की जो सिक्रेसी है उसको बहुत ज़्यादा मेंटेन किया जाता है। तो उससे क्या होता है कि लोगों को पता नहीं चलता है, यहाँ पे आपके जो भी डिपार्टमेंट के लोग हैं उनको भी पता नहीं चलता, लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी की केसेस बहुत ज़्यादा निकल कर आती है। दोनों की बात करें अगर कॉन्स्टिट्यूशन की और जो जजेस एक्ट ऑफ 1968 है, ये काफ़ी साइलेंट है किस चीज़ पर, तो वेदर अ जज जो कि इस तरीके का इम्पीचमेंट मोशन वो फेस कर रहे हैं, तो क्या उनको रेस्क्यू किया जा सकता है जुडिशियल से या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क से, तो या फिर उनके पास जो है ये क्लियर्ड है कि वो इस तरीके का अगर उनके ऊपर चार्ज लगा है तो क्या ये क्लियर होता है कि नहीं होता है, ये अभी भी उसके ऊपर ये दोनों जो चीज़ें हैं ना, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन है और ये जो एक्ट है, ये दोनों अभी तक साइलेंट है। तो इम्पीचमेंट का जो प्रोसेस चलता है, तो ये एक तरीके का मोशन पास होता है। तो जब भी आपका इम्पीचमेंट का मोशन पास होता है, यानी कि जो बहुमत में लोग चाहते हैं कि इस तरीके के जजेस को या फिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को हटाया जाए, तो ये इम्पीचमेंट प्रोसेस होता है। तो ये जो प्रोसेस होता है जिसके थ्रू कोई भी जज को हटाया जाता है, तो अगर इसको जज को हटाने से लेकर अगर रेस्क्यू किया जाए उनको जुडिशियल या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क
में, तो अभी तक क्या है ना कि ये क्लियर नहीं हो पाता है, और यही चीज़ जो है लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी यहाँ पे देखने को मिलता है। कंबरसम प्रोसेस अगर आप देखोगे, कंबरसम प्रोसेस यानी कि इम्पीचमेंट प्रोसेस जो है वो काफ़ी टीडियस है, काफ़ी लेंदी है, और जजेस को यहाँ पे कोई भी तरीके का अकाउंटेबिलिटी देखने को नहीं मिलता है। यानी कि जो इम्पीचमेंट प्रोसेस है वो काफ़ी लेंदी है। अगर आप लोग पॉलिटी की बुक पढ़े होंगे तो आप लोग को पता होगा, या फिर आप मेरी लेसन्स देखे होंगे तो आप लोग को पता होगा कि इम्पीचमेंट प्रोसेस कितना लेंदी है। वैसे अगर नहीं पता है तो देखिए यहाँ पर आपके लिए बताया गया है कि इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग, तो इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग पहले देख लेते हैं, तब आपको बेटर समझ में आएगा कैसे ये प्रोसीडिंग स्टार्ट होता है। सबसे पहला कि एक रिमूवल मोशन जो है ना वो यहाँ पे साइन किया जाता है। 100 मेंबर्स आपके लोकसभा के साइन करेंगे और 50 मेंबर्स आपके राज्यसभा के साइन करेंगे, और लोकसभा के जो 100 मेंबर्स साइन करेंगे वो अपने स्पीकर को देंगे, यानी जो स्पीकर ऑफ लोकसभा होते हैं। वहीं अगर बात करें राज्यसभा की, तो यहाँ से 50 मेंबर्स साइन करते हैं और वो राज्यसभा के जो चेयरमैन होते हैं उनको वो इस तरीके का मोशन दे देते हैं। अगर ये मोशन एडमिट किया जाता है तब यहाँ पे यानी कि स्पीकर ऑफ लोकसभा इस मोशन को अगर एडमिट कर लेते हैं, अग्री हो जाते हैं, या फिर चेयरमैन ऑफ राज्यसभा अगर इस मोशन को लेकर अग्री हो जाते हैं, तब क्या होता है कि कमेटी बनता है, और कमेटी में 3 मेंबर होते हैं जिसमें आपके सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट होते हैं, और एक डिस्टिंग्विश्ड जुरिस्ट होते हैं जो कि इस तरीके का अगर किसी के ऊपर इस तरीके का आरोप लगा है तो उसको यहाँ पर जाँच पड़ताल करते हैं। अगर ये कमेटी ऐसा पा ले कि हाँ जो भी यहाँ पर चार्ज लगा है जज के ऊपर वो यहाँ पर आपका सही है, यानी कि मिसबिहेवियर का या फिर इनकैपेसिटी का जो भी चार्ज लगा है अगर वो सही है, तो हाउस में क्या होगा कि इस मोशन को इंट्रोड्यूस किया जाएगा और कंसीडर किया जाएगा इस मोशन को, और उसके बाद क्या होगा कि स्पेशल मेजोरिटी की जरूरत है, यानी कि मेजोरिटी यहां पे चाहिए टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस, और जितने भी मेजोरिटी है यहां पे प्रेजेंट है नॉट लेस देन 2/3 ऑफ द मेंबर जो कि उस समय वहां पे प्रेजेंट होंगे और वोट करेंगे। यानी कि जजेस को हटाने के लिए जो यहां पे आपका मेजोरिटी चाहिए वो स्पेशल मेजोरिटी चाहिए। एक बार हाउस में इस तरीके का ये जो आपका रिमूवल प्रोसेस है वो इंट्रोड्यूस हो गया और पास हो गया स्पेशल मेजोरिटी के साथ, तो फिर ये सेकेंड हाउस में चला जाता है जहां पे इसको पास होना होगा स्पेशल मेजोरिटी, यानी कि लोकसभा से अगर पास हो जाता है स्पेशल मेजोरिटी के साथ तो ये राज्यसभा में चली जाती है, और राज्यसभा में भी वहां के मेंबर को यहां पे स्पेशल मेजोरिटी के साथ इसको पास करना होगा। और जब ये मोशंस दोनों हाउसेस से पास हो जाती है तो एक एड्रेस यहां पे प्रेजेंट किया जाता है प्रेसिडेंट के सामने कि इस जज को यहां से रिमूव करना है, तब यहां पे प्रेसिडेंट जो है ना इस ऑर्डर को मानते हैं और उसके बाद वो जज को यहां पे रिमूव करते हैं। तो फिर आप देख रहे हो कि ये आपका पूरा रिमूवल प्रोसेस है कि कितना लेंथी है और कितना लॉन्ग है रिमूवल प्रोसेस, यही चीज़ यहाँ पे कही जा रही है। अब वे फॉरवर्ड में यहाँ पे बताया जा रहा है कि एक न्यू जुडिशियल स्टैंडर्ड और अकाउंटेबिलिटी बिल की ज़रूरत है जो कि लाना चाहिए, जिसमें आपकी जितनी भी जुडिशियल स्टैंडर्ड है उनको लाइनअप किया जाए, और अकाउंटेबिलिटी बिल 2010 का जो है ना उसमें आपका इस्टेब्लिश किया गया है कि एक सेट ऑफ लीगली इन्फोर्सेबल स्टैंडर्ड होना चाहिए जो कि सुपीरियर जुडिशियरी की जो डिग्निटी है ना उनको वो मेंटेन करके रखे, और एक न्यू आर्किटेक्चर इस्टेब्लिश हो जिसके थ्रू जो पब्लिक कंप्लेन है उसकी प्रोसेस अच्छे से हो सके जो भी जजेस के अगेंस्ट में लगाया गया है। ये जो आपकी जुडिशियल स्टैंडर्ड एंड अकाउंटेबिलिटी बिल जो 2010 की थी ये यहाँ पे प्रपोज की थी कि एक आपका नेशनल जुडिशियल ओवरसाइट कमेटी का सेटअप होना चाहिए, द कंप्लेन सिक्योरिटी पैनल होनी चाहिए, और एक इन्वेस्टिगेशन कमेटी होनी चाहिए। उसके बाद आपका जुडिशियरी बिल 2006 की है, उसमें ये प्रपोज किया गया था कि एक नेशनल जुडिशियल काउंसिल होनी चाहिए जो कि इस तरीके का इंक्वायरी कंडक्ट करे, और कोई भी अगर किसी भी तरीके का हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जजेस के ऊपर अगर ये आरोप लगता है कि वो मिसबिहेवियर कर रहे हैं या फिर उनका इनकैपेसिटी है, तो इस तरीके के जो एलिगेशंस है उनको यहाँ पे इंक्वायरी किया जा सके। ये पहला पॉइंट है। दूसरा यहाँ पे बताया जा रहा है कि अपॉइंटमेंट, यानी कि पहला यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये दोनों जो एक्ट है ना इनमें जो प्रपोज्ड थिंग्स थी उनको यहाँ पे अब इस्टेब्लिश कर लेना चाहिए, मान लेना चाहिए। एक तो आपका जुडिशियल स्टैंडर्ड अकाउंटेबिलिटी बिल 2010 की है, और उसके बाद आप जजेस बिल 2006 की है, इसमें जो रिकमेंडेशन दिया गया था उसको यहाँ पे मानना ज़रूरी है। नेक्स्ट यहाँ पे अपॉइंटमेंट को लेकर बताया जा रहा है कि जो कोलिजियम है, यानी कि कोलिजियम सिस्टम होता है जिसके थ्रू जो है जजेस की अपॉइंटमेंट होती है, तो जो कोलिजियम है उसमें एक सेफगार्ड प्रोवाइड करने चाहिए कि ओनली सिर्फ यहाँ पे जजेस जो हाई कैलिबर के होते हैं और इम्पिकेबल इंटीग्रिटी के साथ जो है उनको यहाँ पे हाई कोर्ट में अपॉइंट करना चाहिए। नेक्स्ट जो है यहाँ पे आप देखते हो कि कई बार आप देखे होंगे कि कोलिजियम सिस्टम को लेकर काफ़ी बवाल होती है। कोलिजियम सिस्टम में ऐसा माना जाता है कि ये आपका ट्रांसपेरेंसी मेंटेन नहीं होता, इससे अकाउंटेबिलिटी मेंटेन नहीं होती है, लोग जो है अपने ही सगे संबंधी को यहाँ पे जजेस के रूप में अपॉइंट कर देते हैं। नेक्स्ट है कि ग्रेटर इंटरनल रेगुलेशन होना चाहिए। यहाँ पे काफ़ी आपको जो है सेवरल इंस्टेंस देखने को मिलेंगे जहाँ पे जज जो है एक इनएप्रोप्रिएट जैसा बिहेव करते हैं, डिसिप्लिनरी एक्शंस को यहाँ पे आपका
फर्स्ट इंस्टेंस की तरफ लेना चाहिए कि वो मिसकंडक्ट हो इस तरीके का, तो नेशनल जुडिशियल ओवरसाइट कमेटी जो है ना वो अगर पार्लियामेंट के द्वारा बनाया जाना चाहिए, जिसमें कि डेवलप किया गया, डेवलप करना होगा कोई भी तरीके का अगर कंप्लेन आता है, इन्वेस्टिगेशन आता है, कंप्लेन आता है तो उसको अच्छे तरीके से यहाँ पर इन्वेस्टिगेट करना होगा। ओके, तो ये सारी वे फॉरवर्ड बताई जा रही है, जिसमें कि अगर आपको कोई किसी भी तरीके का क्वेश्चन आता है कि रिमूवल ऑफ जजेस के ऊपर आपको लिखना है, या फिर आपका इम्पीचमेंट प्रोसेस के ऊपर लिखना है, या फिर आपका जो आज के डेट में देख रहे हो कि कॉलेजियम का सिस्टम को लेकर काफ़ी यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी की लैकिंग देखने को मिलती है, तो इस सारी चीज़ों से अगर रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस आपको आती है तो आप इस तरीके का वे फॉरवर्ड आप दे सकते हो। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो कि है 1.4, कैबिनेट कमेटी रिकॉन्स्टिट्यूटेड, यानी कि कैबिनेट कमेटी को फिर से बनाया गया है, तो इसके बारे में देख लेते हैं। पहले कैबिनेट कमेटी आप समझिए कि होता क्या है। कैबिनेट कमेटी आपका कॉन्स्टिट्यूशनल या फिर स्टैटटरी बॉडी नहीं होती है, ये एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ होती है, यानी कि जब ज़रूरत पड़ता है तब सरकार इसको बनाती है। ओके, और कैबिनेट कमेटी होती है हर एक सरकार के पास, तो इसलिए इसको एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ कहा जाता है, जो कि यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ट्रांजैक्शंस ऑफ बिजनेस रूल 1961 के तहत ये प्रोवाइड किया गया है। यहाँ पे आपका प्राइम मिनिस्टर के द्वारा इसको बनाया जाता है अकॉर्डिंग टू द टाइम, जब उनको टाइम रहता है, जिस तरीके से, जिस टाइम के हिसाब से वो इसको बनाते हैं, और जब भी उनको सिचुएशन के हिसाब से ज़रूरत होता है, तो उनकी नंबर हो, नॉमेनक्लेचर हो, कंपोजिशन हो, ये टाइम टू टाइम वेरीज़ करती है। यानी कि कभी कभी आपको कैबिनेट कमेटी में 20 लोग भी देखने को मिलेंगे, कभी 30 लोग भी देखने को मिलेंगे, तो ये सारी जो है ना ये टाइम टू टाइम वेरी करता है, और ये पूरी तरीके से प्राइम मिनिस्टर के ऊपर डिपेंड करता है। क्लासिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पे दो तरीके का आपका कैबिनेट कमेटी होती है, पहली होती है स्टैंडिंग कमेटी और सेकेंड है एडहॉक कमेटी। स्टैंडिंग कमेटी आपकी परमानेंट नेचर की है, और वहीं पर एडहॉक कमेटी की बात करें तो ये आपका टेम्प्रेरी बेसिस पे, यानी कि अगर कोई केसेस की ज़्यादा ज़रूरत होती है, अगर कोई केसेस को इन्वेस्टिगेट करना है, या फिर कोई भी प्रॉब्लम आई है उसको इन्वेस्टिगेट करना है टेम्प्रेरी बेसिस पे, तो तब यहाँ पे एडहॉक कमेटी का फॉर्मेशन होता है, और जब वो एजेंडा पूरा हो जाता है तो फिर उसको डिसॉल्व कर दिया जाता है। इसके अगर फंक्शन की बात करें तो ये आपका ऑर्गेनाइजेशनल डिवाइस है, जो कि रिड्यूस करती है जो भी वर्कलोड आपका कैबिनेट के ऊपर देखने को मिलता है, तो ये दोनों जो आपका बनता है ना स्टैंडिंग और एडहॉक कमेटी, ये इनके वर्कलोड को कम करती है, और साथ ही साथ ये फैसिलिटेट करती है इन डेप्थ एग्जामिनेशन। कोई भी पॉलिसी इशू या निकल कर आ रहा है, किसी भी तरीके का इशू निकल कर आ रहा है, तो वो बहुत अच्छे से जाकर इसको इन्वेस्टिगेट करती है। कैबिनेट जो है ना उनके डिसीजंस को भी रिव्यू करती है। अगर कंपोजिशन की बात कर ले कि कैबिनेट में कौन कौन होते हैं, तो यूजुअली यहाँ पे सिर्फ कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं, जैसे कि नॉन कैबिनेट मिनिस्टर्स को इनसे जो है आपका अलग रखा गया है, वो यहाँ पे इंक्लूड नहीं किए गए हैं, मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ सब्जेक्ट जो कि इनके द्वारा कवर किया गया है, और यहाँ पे आपके सिर्फ सीनियर मिनिस्टर्स ही इंक्लूड है, और जो मेंबरशिप है ना वो आपका वैरी करता है, कभी कभी 3 भी देखने को मिलेगा या फिर 8 भी देखने को मिलेगा। हेड ऑफ द कमेटी कौन होते हैं, मोस्टली इनके हेड जो है ना वो प्राइम मिनिस्टर ही होते हैं, लेकिन समटाइम्स अगर अदर कैबिनेट मिनिस्टर्स जो है उनको यहाँ पे चेयरमैन के जैसा बनाया भी जा सकता है। इन केस अगर प्राइम मिनिस्टर अगर इसके मेंबर होना तो वो इसको प्रिसाइड भी करते हैं या फिर किसी और को भी यहाँ पे आपके चेयरमैन बनाते हैं। ओके, तो कैबिनेट कमेटी के बारे में आपको डिटेल पता चल गया। अब देखते हैं कि ये आपका न्यूज़ में क्यों है। रिसेंटली यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट ने रिकॉन्स्टिट्यूट किया है, यानी कि फिर से उन्होंने अपनी कैबिनेट को चेंज करके बनाया है, और यहाँ पे 8 की कैबिनेट कमेटीज़ है, जिसमें कि 2 न्यू कमेटीज़ यहाँ पे बनाया जा रहा है। एक तो आपका इन्वेस्टिगेट करेगी इन्वेस्टमेंट के लिए, ग्रोथ के लिए, और दूसरा जो है वो एम्प्लॉयमेंट और स्किल डेवलपमेंट के लिए। ओके, तो यहाँ पे 2 कमेटी आपका बनाया जा रहा है। दोनों कमेटी का काम आपको याद रखना है, एक आपका इन्वेस्टमेंट और ग्रोथ के लिए है, तो दूसरा आपका एम्प्लॉयमेंट और स्किल डेवलपमेंट के लिए। ओके, अब मोर ऑन न्यूज़ देखते हैं। कमिटीज़ जो कि यहाँ पे फिर से बनाया गया है ना, अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ द कैबिनेट, यानी कि ये डिसाइड करेगी सारी हायर लेवल अपॉइंटमेंट, यानी कि जो भी सेंट्रल सेक्रेटेरिएट में है, पब्लिक इंटरप्राइजेस में है, बैंक्स में है, और 3 सर्विस चीफ्स में है, तो इन सारे के अपॉइंटमेंट को ये यहाँ पे डिसाइड करेगी। साथ ही कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स है, जो कि रिव्यू करेगी जितनी भी इकोनॉमिक ट्रेंड्स है, प्रॉब्लम्स है, प्रोस्पेक्ट है, जिसके थ्रू आपका इंटीग्रेटेड इकोनॉमिक पॉलिसी यहाँ पे निकल कर आता है। साथ ही साथ ये डील करेगी जो भी फिक्सेशन ऑफ प्राइस है आपका एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को लेकर, या फिर एसेंशियल कमोडिटीज़ के प्राइस को लेकर। साथ ही ये डील करेगी आपकी इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग जो आपका पॉलिसीज़ है, और रिव्यू करेगी जो भी रूरल डेवलपमेंट और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है। यहाँ पे कंसीडर किया जाएगा जो भी प्रपोजल रखा जाएगा आपका इन्वेस्टमेंट के लिए और मोर देन 1,000 करोड़ का, तो वो इसको भी कंसीडर करेगी। नेक्स्ट है कैबिनेट कमेटी ऑन पार्लियामेंट अफेयर्स, तो ये यहाँ पे स्केड्यूल रखती है जो भी पार्लियामेंट सेशंस का होता है, और मॉनिटर करती है जो भी गवर्नमेंट बिजनेस का प्रोग्रेस होता है पार्लियामेंट में। ओके, तो हर एक कैबिनेट कमेटी का आपका काम पता होना चाहिए, तो पार्लियामेंट अफेयर्स का क्या काम है ये आपको पता होना चाहिए। साथ ही साथ ये नॉन गवर्नमेंट बिजनेस जितनी भी होती है ना, तो उसको वो स्क्रूटनाइज करती है, देखती है, साथ ही डिसाइड करती है कि कौन सी ऑफिशियल बिल्स है और रिजोल्यूशन है जो कि प्रेजेंट करना है पार्लियामेंट में।
फिर आपका नेक्स्ट आता है कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स, ये डील करती है जितनी भी पॉलिसी मेसर्स होती है, मैटर्स होती है जो कि डोमेस्टिक और फॉरेन अफेयर्स से रिलेटेड है। फिर आपका कैबिनेट कमेटी आता है सिक्योरिटी में, तो ये डील करती है आपका जो भी आपका इशूज़ निकल कर आता है लॉ एंड ऑर्डर से, इंटरनल सिक्योरिटी से या फिर पॉलिसी मैटर से, जो कि यहाँ पर फॉरेन अफेयर्स को भी कंसर्न किया जाता है। इंटरनल और एक्सटर्नल इस सिक्योरिटी इम्प्लीकेशंस यहाँ पर देखा जाता है। साथ ही ये कंसिडर करती है इशूज़ जो भी डेवलपमेंट ऑफ आपका डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शंस के साथ है या फिर डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस रिसर्च और डेवलपमेंट के साथ है, तो इस तरीके के इशू को भी ये कंसीडर करती है। नेक्स्ट आपका कैबिनेट कमेटी है कैबिनेट कमेटी ऑन एकोमोडेशन, यानी कि ये डिटरमाइन करती है सारे गाइडलाइंस और रूल्स जो भी यहाँ पे अलॉटमेंट किया जाता है गवर्नमेंट एकोमोडेशंस के लिए, जिसमें आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी इंक्लूड है, यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के रहने के लिए जो जगह दिया जाता है वो सब कुछ कौन यहाँ पे देखते हैं, तो कैबिनेट कमेटी ऑन एकोमोडेशंस यहाँ पे आपके गाइडेंस और रूल्स रेगुलेशंस ये सब कुछ देखते हैं। अब आते हैं देखते हैं कि न्यू कमेटी यहाँ पे इंक्लूड हुआ है, तो दो न्यू कैबिनेट कमेटी इंक्लूड हुआ है, एक तो कैबिनेट कमेटी आपका इन्वेस्टमेंट एंड ग्रोथ में है, दूसरा है कि कैबिनेट कमेटी ऑन एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल डेवलपमेंट। तो इन दोनों कैबिनेट कमेटी की क्या काम है ये देख लेते हैं। जो पहला है कैबिनेट कमेटी ऑन इन्वेस्टमेंट एंड ग्रोथ, तो ये क्या करेगी, आइडेंटिफाई करेगी सारी की प्रोजेक्ट्स जो भी यहाँ पे आपका टाइम बाउंड बेसिस पे इसको इम्प्लीमेंट करना है, जैसे कि आपका इन्वेस्टमेंट है 1000 करोड़ का या फिर इससे ज़्यादा का या फिर कोई और क्रिटिकल प्रोजेक्ट का, तो ये इसके द्वारा स्पेसिफाइड किया जाएगा जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर में और मैन्युफैक्चरिंग फील्ड में होगा। साथ ही ये प्रिस्क्राइब भी करेगी, एक टाइम लिमिट दिया जाएगा, कोई भी अगर आपका पॉलिसीज है तो उसको एक टाइम लिमिट दिया जाएगा जिसमें कि इसको अप्रूवल दी जाएगी, क्लियरेंस दी जाएगी सारी मिनिस्ट्रीज के द्वारा जो भी इस आइडेंटिफाइड सेक्टर में कंसर्नड है। अगर नेक्स्ट हम लोग देखें कैबिनेट कमेटी जो कि एम्प्लॉयमेंट और स्किल डेवलपमेंट में, तो ऑब्वियस है कि यहाँ पे ये प्रोवाइड करेगी डायरेक्शंस जो भी सारे पॉलिसीज प्रोग्राम स्कीम्स और इनिशिएटिव्स को दिया जाएगा जो भी यहाँ पे स्किल डेवलपमेंट के फील्ड में लगाया जा रहा है, यानी कि कोई भी इनिशिएटिव पॉलिसीज अगर स्किल डेवलपमेंट के फील्ड में आ रही है तो वो इसको डायरेक्शन देगी। साथ ही जो एम्प्लॉयबिलिटी है उसको भी इंक्रीज़ करेगी, यानी आज के डेट में जो रोज़गार की ज़रूरत है वो भी यहाँ पे देखा जाएगा, और साथ ही साथ उसको एम्प्लॉयमेंट देने के साथ साथ यहाँ पे इकॉनमी को भी ग्रो करने में हेल्प करेगी और जो भी बेनिफिट है डेमोग्राफिक डिविडेंड का वो भी यहाँ पे देखेगी। ओके, उसके बाद ये अपनी वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन है उसको भी इन्हांस किया जाएगा, यानी कि मेल हो फीमेल हो दोनों की वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन, यानी कि मेन फील्ड में आकर जो काम करते हैं उनकी यहाँ पे पार्टिसिपेशन को बढ़ाने का ध्यान दिया जाएगा। यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ की बात की जाएगी, आइडेंटिफाई किया जाएगा, साथ ही साथ ये पैनल जो है ना टारगेट सेट करेंगे कि किस तरीके से सारे स्किल डेवलपमेंट इनिशिएटिव को अच्छे तरीके से अच्छे टाइम पे एक फिक्स टाइम पे यहाँ पे आपका इंप्लीमेंट किया जा सके। तो प्राइम मिनिस्टर जो है ये 6 पैनल का पार्ट है, एक्सेप्ट किसके किसके, तो कमिटीज ऑन एकोमोडेशन एंड कमेटी ऑन पार्लियामेंट अफेयर्स। ओके, तो सारे कमेटी जितने भी कमेटी आपको देखने को मिले ना उनके सारे के प्राइम मिनिस्टर पार्ट होते हैं, लेकिन कैबिनेट कमेटी ऑन पार्लियामेंट अफेयर्स के पार्ट नहीं होते और कैबिनेट कमेटी ऑन एकोमोडेशन के पार्ट नहीं होते, ये आपको याद रखना है। काफ़ी टाइम यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा जाता है और स्टेट पीसीएस में भी बहुत टाइम पूछा जाता है। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो कि है वन नेशन वन राशन कार्ड। ओके, तो एक नेशन में एक राशन कार्ड होना चाहिए, तो ऐसा फिर से न्यू इनिशिएटिव निकाला गया है। तो इससे पहले आप लोगों को समझना होगा कि ये राशन कार्ड होती क्या है। ओके, तो राशन कार्ड एक तरीके का डॉक्यूमेंट होता है जो कि आपका जो स्टेट गवर्नमेंट की अथॉरिटीज़ होती है उनके अंडर में इसको इशू किया जाता है एज़ पर द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। जो यहाँ पे आपका पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है जिसके थ्रू जो भी आपका एसेंशियल कमोडिटीज़ होती है, यानी डे टू डे लाइफ में आप जो भी खाना पीना खाते हो उसके लिए आपका एक फेयर प्राइस में आपको जो है दिया जाता है, यानी कि आपका धान चावल आटा या फिर आप दाल वगैरह या कोई कुछ भी आप ले लो जो कि आपका एसेंशियल कमोडिटीज़ है, मिल्क वगैरह होती है, तो काफ़ी सस्ते दाम पे यहाँ पे आपका पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के द्वारा उसको दिया जाता है। तो ये आपका इस चीज़ को ख़रीदने के लिए ना राशन कार्ड आपको दिया जाता है। अगर आपके पास राशन कार्ड होता है तभी आप पीडीएस से इस तरीके का सस्ते दाम पे आप अनाज ले पाते हो। तो स्टेट गवर्नमेंट इसको इशू करती है राशन कार्ड को, जो कि अबव आपके पॉवर्टी लाइन के होते हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन के होते हैं और अंत्योदय फैमिलीज़ को दी जाती है। साथ ही यहाँ पे आपका पीरियोडिकली रिव्यू भी किया जाता है और राशन कार्ड को चेक भी किया जाता है। फैमिलीज़ जो भी यहाँ पे बिलो पॉवर्टी लाइन के हैं उनको यहाँ पे ब्लू कार्ड दिया जाता है और स्पेशल सब्सिडीज़ भी उनको दी जाती है। ये आपका हेल्प करता है सेव करने में मनी, जो कि यहाँ पे आपका जो भी मदद दिया जा रहा है एसेंशियल कमोडिटीज़ को प्रोक्योरमेंट करने के लिए, तो इसमें क्या होता है कि बहुत सस्ते दाम में आपको मिल जाता है, तो आप अच्छा खासा पैसा यहाँ पे सेव कर सकते हैं और ये बिलो पॉवर्टी लाइन के लोगों के लिए ज़्यादा यहाँ पे हेल्पफुल हो पाता है। आइडेंटिफिकेशन भी की जाती है, प्रूफ भी होता है इसका, यानी कि एक इंपॉर्टेंट टूल है आइडेंटिफिकेशन का, जब इसको दूसरे डॉक्यूमेंट के साथ अप्लाई किया जाता है
जैसे डोमिसाइल सर्टिफिकेट हो गया या फिर आपका नाम इंक्लूजन करना हो किसी भी इलेक्ट्रॉल रोल में, तो भी ये आपका प्रूफ ऑफ आइडेंटिफिकेशन के जैसा काम करता है, यानी कि आपकी आईडी प्रूफ के जैसा। अगर आप कहीं भी कुछ भी परचेज करने जाते हो, कुछ भी आपका ऑथेंटिक अगर आपको आईडी कार्ड देना हो, तो आप राशन कार्ड दिखा सकते हो। ओके, अब देखते हैं कि ये न्यूज़ में क्यों थी। रिसेंटली सेंट्रल गवर्नमेंट ने यहाँ पे आपके स्टेट और यूनियन टेरिटरीज़ को 30 जून 2020 तक ये डेडलाइन दिया है कि वो रोल आउट करे वन नेशन वन राशन कार्ड सिस्टम को। ओके, तो ये आपको रोल आउट करने का जो आपका डेडलाइन है उसको आपको याद रखना है, 30 जून 2020। बैकग्राउंड में चलकर देखते हैं, पार्था मुखोपाध्याय वर्किंग ग्रुप जो आपका माइग्रेशन की थी 2017 में, वो रिकमेंड की थी कि पोर्टेबिलिटी होना चाहिए पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बेनिफिट का। और इंट्रा स्टेट अगर एक्सेस देखे पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का, जो कि यहाँ पे दिया गया था इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के द्वारा, तो वो भी यहाँ पर आपका एक्सेस होना चाहिए, यानी कि एक इंट्रा स्टेट, यानी कि एक एक स्टेट से दूसरे स्टेट के बीच में जो है आपका यहाँ पर अच्छे तरीके से यहाँ पर आपका एक्सेस होना चाहिए, ये भी आपका दिया गया था। और ये ऑलरेडी आपका प्रैक्टिस किया जा रहा है फ्यू स्टेट्स में, जैसे आंध्र प्रदेश हो गया, गुजरात हो गई और हरियाणा हो गया, तो इस तरीके का इंट्रा स्टेट जो है यहाँ पे आपका डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है। अब इस स्कीम के बारे में समझ लेते हैं डिटेल में है क्या। तो इस स्कीम के अंदर जो बेनिफिशरीज है ना, वो यहाँ पे खरीद सकते हैं सब्सिडाइज फूड ग्रेन, यानी कि बहुत सस्ती फूड ग्रेन होती है, वो भी राशन शॉप से किसी भी पार्ट में कंट्री में, यानी कि आपका आपके पास जो राशन कार्ड होता होगा, आप एक अगर आप कहीं से भी हो, जैसे कि अगर आप यहाँ पे आंध्र प्रदेश से हो, तो आंध्र प्रदेश के यहाँ अगर आपको राशन कार्ड दिया गया है, तो आप इस स्पेसिफाइड जगह पर ही जाकर आप वहाँ से फूड ग्रेन सब्सिडाइज रूप में खरीद सकते हो, यानी कि कम पैसे में खरीद सकते हो। लेकिन वन नेशन वन राशन कार्ड से क्या होगा कि आप कंट्री के किसी कोने में भी चले जाओ, माइग्रेट होकर भी चले जाओ, या फिर कोई और काम के लिए जैसे एक सिटी से दूसरी सिटी अगर आप जाते हो, तो वहाँ पे भी आप वो राशन कार्ड दिखाकर उतने सस्ते दाम में आप जो है फूड ग्रेन्स ले सकते हो। ये फंडा है इस स्कीम का। राशन कार्ड जो है वो आधार लिंकेज होगा जो कि इस स्कीम को आप एक्सेस कर पाओगे, यानी कि आधार नंबर भी आपका इससे लिंक किया जाएगा। एक पर्सन जो कि इसमें एलिजिबल होंगे इस तरीके का सब्सिडीज़ जो कि सेंटर के द्वारा सपोर्ट किया जाता है, तो वो आपके नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत होंगे। ओके, अगर बेनिफिशरीज़ एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं, तो उनको वो जो है फ्रीली इस तरीके का सामान उनको दिया जाएगा। एक माइग्रेंट जो है उनको अलाउ किया जाएगा कि मिनिमम वो 50% जो है फैमिली कोटा के तर्ज पर वो यहाँ पे ख़रीद सकते हैं, और ये इंश्योर किया जाएगा एक इंडिविजुअल को जब वो शिफ्ट हुए हैं, यानी कि दूसरे प्लेस में शिफ्ट हुए हैं, और उनके पूरे इंटायर फैमिली कोटा के रूप में जो है उनको इस तरीके का लाभ दिया जाएगा। इस स्कीम से क्या होगा, माइग्रेंट वर्कर जो है जो एक जगह से दूसरी जगह, या फिर आप देखते हो कि जॉब को सर्च करने के लिए लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के लिए एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं, या कुछ और रीज़न की तरफ से भी जो माइग्रेट होते हैं उनको इस तरीके का लाभ दिया जाएगा। फिर जो फेक राशन कार्ड होल्डर्स है उनको यहाँ से हटाया जाएगा, क्योंकि एक इंटीग्रेटेड ऑनलाइन सिस्टम आ जाएगा जिसके थ्रू जो भी अगर जिनके पास फेक राशन कार्ड है तो उनको भी यहाँ से हटाया जाएगा। कंट्रोल किया जाएगा जो भी अभी फूड सब्सिडी बिल जो है बहुत ज़्यादा राइज हो रहा है, तो इसमें जो यूनाइटेड बेनिफिशरीज़ है उनको रिमूव करके इस तरीके का जो राइजिंग आपका फूड सब्सिडी है उनको यहाँ पर कंट्रोल किया जाएगा। ओके, तो इस बिल की पूरी तरीके से ये आपका एडवांटेज है। अब आते हैं यहाँ पे, बात हुआ है इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम स्कीम है, तो इसके बारे में भी समझते हैं। ये IMPDS जो है एक न्यू सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, यानी कि पूरी तरीके से 100% जो यहाँ पे फंडिंग की जा रही है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा की जा रही है, और इसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के द्वारा। इसकी ऑब्जेक्टिव है कि यहाँ पे आपका इम्प्लीमेंट करना है जो भी नेशन वाइड पोर्टेबिलिटी है फूड ग्रेन्स डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, तो उसको बेटर तरीके से इम्प्लीमेंट करना है। साथ ही एक नेशनल लेवल डेटा रिपोजिट्री बनाना है जिसमें कि आपका जो डुप्लीकेशन होता है ना बेनिफिशरी डेटा का, वो आधार बेस्ड के थ्रू जो है वो हट जाएगा। ओके, उसके बाद एडवांस डेटा एनालिटिक टेक्निक को यहाँ पर यूज़ करना है जिसके थ्रू हमारा कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट हो पाएगा। तो ये स्कीम्स के अंदर आपको ये स्कीम के बारे में भी जानना चाहिए जो आपका इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन आपका स्कीम है। ओके, तो गाइस यहाँ पे हमारी पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन ख़त्म होती है, कल हम लोग स्टार्ट करेंगे इंटरनेशनल रिलेशन। ओके, तो और भी जो प्रीवियस मैगजीन की आपकी जो टॉपिक बची हुई है वो मैं सब कंप्लीट करा दूँगी। आप लोग प्लीज़ थोड़ा पेशेंस रखिए, क्योंकि टाइम मुझे भी थोड़ा कम हो जाता है, इसलिए मेरे पास भी सब कुछ मैनेज करने में थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। तो आप लोग भी पेशेंस रखिए, आप लोग को सारी लेसन्स यहाँ पर मिलती जाएगी। ओके, तो अगर आपको ये लेसन अच्छा लगा है तो लाइक करना ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। आप मेरे अगर आपको कोई भी डाउट क्वेरी सजेशन है तो आप कमेंट कर सकते हो, और मेक श्योर कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है। थैंक यू।